एक छोटे से गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए एक बिरजू नाम का नौकर रखा हुआ था। एक दिन की बात है। बिरजू, हमारे अनाथ आश्रम में बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कम समय में जल्दी रोटियां बन सकें? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक रोटी बनाने वाली मशीन ले आऊँ। हाँ मालिक, इतने सारे बच्चों की अकेले रोटी बनाने में बहुत परेशानी होती है। मुझे एक रोटी बनाने की मशीन चाहिए। ये देखिए, रोटी बनाने की एकदम बढ़िया मशीन। मालिक को वो रोटी बनाने की मशीन पसंद आ जाती है। अनाथ आश्रम का मालिक रोटी बनाने की मशीन को फौरन खरीद लेता है। फिर मालिक रोटी बनाने की मशीन को अपने अनाथ आश्रम में जाकर लगा देता है, जिससे रोटियां मिनटों में बनकर तैयार हो जाती हैं। भाई वाह, रोटी बनाने की मशीन से कितनी जल्दी रोटियां बन गईं। बिरजू, अब तुम जल्दी से सभी बच्चों को खाना खिला दो। बिरजू सभी अनाथ बच्चों को खाना खिलाने लगता है। रोटी खिलाते खिलाते बिरजू मन में सोचने लगता है। क्यों ना मैं इस रोटी मशीन से फायदा उठाऊं? जब आश्रम के सभी लोग सो जाया करेंगे, तब मैं इस रोटी मशीन से रोटियां बनाकर आबे वालों को बेच आया करूंगा। इससे मुझे फायदा ही फायदा होगा। बिरजू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक वहाँ से एक बंदर आ जाता है। उसे देखकर बिरजू उस बंदर को भगाने लगता है। ए, चल, चल, चल भाग यहाँ से। वो बंदर वहाँ पर रोटी खा रहे बच्चों की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से वो बंदर वहाँ पर रखी रोटी उठाकर खाने लगता है। ये देख बिरजू बंदर को भगाने के लिए एक डंडा उठा लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर अनाथ आश्रम का मालिक आ जाता है। बिरजू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस बंदर को क्यों मार रहे हो? क्या बताऊं मालिक, कब से इसे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये है कि भागता ही नहीं। और तो और, इसने बच्चों की रोटियां खा ली। इसे मत मारो, लगता है ये बंदर बहुत दिनों से भूखा है। इसे भूख लगी होगी, तभी ये यहाँ से नहीं जा रहा। ये सुनते ही बंदर मालिक के पास आकर उसके पैरों में बैठ जाता है और बड़े प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। मालिक भी बंदर के सिर को बड़े प्यार से सहलाता है। बिरजू, इस बंदर को खाने के लिए रोटियां दे दो। पर मालिक, आप इस तरह बंदरों को रोटियां खिलाने लगे तो ये बंदर रोज यहाँ आने लगेगा। इसे देखकर फिर और भी बंदर आने लगेंगे। तो क्या हुआ अगर ये बंदर यहाँ रोज रोटी खाने आने लगेगा? जैसे यहाँ और बच्चे खाना खाते हैं, ये भी खा लिया करेगा। पर मालिक, ये ठीक नहीं है। पर कुछ नहीं, इस बंदर को अभी के अभी रोटी खिलाओ। अगर ये बंदर यहाँ रोज रोटी खाने आता है तो तुम इसे रोज रोटी खिलाओगे, ठीक है? बिरजू मालिक की बात सुनकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप बंदर को लाकर रोटियां खिला देता है। बंदर भर पेट खूब रोटियां खाता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही शाम होती है। बिरजू, अब रोटी बनाने वाली मशीन का काम नहीं है, तुम उसे याद से बंद कर देना, ठीक है? ठीक है मालिक। मालिक के जाते ही बिरजू चुपचाप रोटी बनाने वाली मशीन से रोटियां बनाकर उन्हें ढाबे पर बेचने चला जाता है। ये रही तुम्हारी 100 रोटियां। ढाबे वाला बिरजू से रोटियां ले लेता है। ओए बिरजू, ये लो अपनी रोटी के पैसे। ओए बिरजू, एक बात बताओ, तुमने रोटी सप्लाई करने का नया काम शुरू कर दिया है क्या? है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। फिर बिरजू वहाँ से रोटी के पैसे लेकर वापस आ जाता है। अरे, रोटी बेचने के चक्कर में मैं तो मशीन बंद करना ही भूल गया। फिर बिरजू रोटी बनाने की मशीन बंद कर सो जाता है। और अगली सुबह बिरजू मशीन से रोटियां बनाकर बच्चों को खिला रहा होता है, तभी अचानक से कल वाला बंदर फिर आ जाता है। उसे देखकर बिरजू को बड़ा गुस्सा आता है। वो एक डंडा उठाकर उसे मारने वाला ही होता है, तभी अनाथ आश्रम का मालिक आ जाता है और गुस्से में बिरजू का हाथ पकड़ लेता है। बिरजू, तुम पागल हो गए हो क्या, जो एक बेजुबान जानवर को मार रहे हो? वो मालिक वो। चुप करो, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसी गलती करते देखा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? बिरजू, बंदर को खाने के लिए रोटी दो।
बिरजू बंदर को ना चाहते हुए भी रोटी दे देता है। बंदर रोटी खाकर वहां से चला जाता है। इसी तरह बंदर भी आश्रम के बच्चों के साथ रहने लगा। सब उसे प्यार से बजरंगी बुलाते थे। बजरंगी आश्रम के बच्चों के साथ काफी घुल मिल गया था। वो बेजुबान होते हुए भी बहुत समझदार था। अनाथ आश्रम का मालिक भी बंदर को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगा था। इधर बिरजू रोज रात को सब सो जाते तो वो चुपके से मशीन से रोटियां बनाकर ढाबे वाले को बेचकर चोरी से पैसे कमा रहा था। ऐसे ही एक रात जब आश्रम के सभी बच्चे सो जाते हैं तो बिरजू रोटी बनाने की मशीन से रोटियां बनाकर उन्हें ढाबे पर बेच आता है। इस बात का पता बंदर को चल जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है बिरजू सबके सोने के बाद रोटी मशीन से रोटियां बनाने लगता है तो बजरंगी उसे रोकने की कोशिश करता है। लगता है इस बंदर को सब पता चल गया है। अब तो ये मुझे पकड़वा कर ही मानेगा। इससे पहले कि ये बंदर मालिक को कुछ बताए मुझे इसका इंतजाम करना पड़ेगा। फिर बिरजू गुस्से में बंदर को रोटी मशीन में डाल देता है जिससे बजरंगी की रोटी मशीन में जलकर मौत हो जाती है और वो एक भूतिया बंदर बन जाता है। तुमने मुझे मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अगली सुबह बिरजू हमेशा की तरह मशीन से रोटियां बना रहा होता है तो उसे पीछे से भूतिया बंदर जोर से कसकर थप्पड़ मारता है। कौन है? बिरजू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। बिरजू को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। बिरजू बड़ी मुश्किल से रोटी मशीन से रोटियां बनाकर बच्चों को खिलाने लगता है। तभी आश्रम का मालिक और बच्चे बिरजू से कहते हैं, बिरजू क्या बात है, आज बजरंगी नहीं दिखाई दे रहा, तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा ना? नहीं। फिर ये अचानक से बजरंगी कहाँ चला गया? उसने तो ऐसा कभी नहीं किया। फिर अचानक से बजरंगी कहाँ जा सकता है? बिरजू को तो सब पता था कि उसने खुद बजरंगी को रोटी मशीन में जलाकर मार डाला। फिर जैसे ही रात होती है बिरजू हमेशा की तरह रोटी मशीन से जैसे ही रोटियां बनाने के लिए जाता है तो अचानक से रोटी मशीन अपने आप चलने लगती है। ये क्या? ये रोटी मशीन अपने आप कैसे चलने लगी? ये तो बंद थी। बिरजू रोटी मशीन को जैसे ही बंद करता है रोटी मशीन फिर चालू हो जाती है और उसमें से रोटियों की जगह खोपड़ियां निकलने लगती है। ये क्या? रोटी मशीन से ये खोपड़ियों की रोटी बनकर कैसे निकल रही है? तभी उसे रोटियां बनाता हुआ भूतिया बंदर दिखाई देता है। ये देखकर बिरजू बुरी तरह डर जाता है। भूत, बचाओ! चिल्ला और जोर से चिल्ला, देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। तू आश्रम के बच्चों की रोटियां चुरा कर बेचता है। तूने अपने ही मालिक के साथ गद्दारी की। तू ऐसा कैसे कर सकता है? जिसने तुझे सब कुछ दिया तू उसे ही धोखा दे रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और जो तूने मुझे रोटी मशीन में जलाकर मार डाला। भूतिया बंदर बिरजू की गर्दन पकड़ लेता है। भागता कहाँ है? अभी तो मुझे तेरी रोटियां बनानी है। भूतिया बंदर बिरजू की गर्दन पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिरजू के चीखने की आवाज सुनकर वहाँ आश्रम के बच्चे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि भूतिया बंदर ने बिरजू की गर्दन को पकड़ रखा है तो वो बच्चे मालिक को बुला लाते हैं। छोड़ दो इसे, इसे मत मारो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे मारना चाहते हो? मालिक, आपको नहीं पता इसने आपके साथ धोखा किया है और मुझे रोटी मशीन में जलाकर मार डाला। फिर भूतिया बंदर अनाथ आश्रम के मालिक को सारी बात बताता है। बजरंगी छोड़ दे इसे, ये माफी के लायक तो नहीं है, पर इसकी सजा इसे पुलिस जरूर देगी। फिर कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस बिरजू को पकड़ने जाती है तो भूतिया बंदर बिरजू को रोटी मशीन में डाल देता है जिससे बिरजू की खोपड़ियों की रोटियां बनकर निकलने लगती है। इसके किए की सजा इसे मिल ही गई। फिर बजरंगी भी आसमान में एक रोशनी के साथ गायब हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।